जम्मू कश्मीर में शनिवार शाम हुए ब्लास्ट में बेगूसराय के लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार शहीद हो गए। घटना की सूचना मिलते ही बेगूसराय में मातम पसर गया। ऋषि कुमार बेगूसराय जिला मुख्यालय के प्रोफेसर कॉलोनी निवासी राजीव रंजन के पुत्र थे। आपको बता दें कि एक साल पहले ही उन्होंने सेना ज्वाइन की थी। इस बीच केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह आज उनके घर पहुंचे और उनके परिजनों को हौसला बढ़ाया। गौरतलब हो कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जिस तरीके से वीर सपूत आज जम्मू कश्मीर में शहीद हुए हैं, वो शहीद का बदला बेकार नहीं जाएगा और शहीद का खून का बदला एक एक कर हम लेकर रहेंगे। आप सुनिए गिरिराज सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन इस शहीद के खून का एक एक कतरा का बदला हम लेंगे, ये आपको जरूर। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। गौरतलब हो कि खबर ये सामने आ रही है कि पार्थिव शरीर ऋषि का रविवार दोपहर बेगूसराय पहुंचने की संभावना है। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। शहीद के पिता ने बताया कि टेलीफोन पर तकरीबन 7:30 बजे के आसपास सूचना मिली। हालांकि पिता ने यह भी कहा कि 4 दिन पहले ही मां से बात की थी, बोला था कि बहन की शादी में छुट्टी लेकर आ रहा हूं। आपको बता दें कि ऋषि की बहन की शादी 29 अक्टूबर को थी। बताया जा रहा है कि ऋषि कुमार शनिवार की शाम अपनी टीम के साथ बॉर्डर इलाके सुंदरवन सेक्टर के रजौरी नौसेरा में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान शाम करीब 6 बजे विस्फोट में ऋषि कुमार समेत 2 अधिकारियों की मौत हो गई, कई गंभीर रूप से घायल हो गए। कंपनी कमांडर ने शनिवार की देर शाम करीब 7:30 बजे पिता को फोन कर घटना की सूचना दी। सूचना के अनुसार सेना की टीम घटना के कारणों की जांच कर रही है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि ये आईडी विस्फोट था या फिर माइंस विस्फोट। हालांकि परिजनों ने यह भी बताया कि हम सभी ऋषि की छोटी बहन की 29 नवंबर को होने वाली शादी की तैयारी कर रहे थे। ऋषि ने उन्हें खबर दी थी कि वो 22 नवंबर तक शादी में शामिल होने के लिए आने वाले हैं।